नमस्कार दोस्तों, मूल्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी जो कि सीजन में हल्दियाँ, हल्दी बहुत होती है तो आम हल्दी और सिंपल हल्दी जो है वो बहुत निकलती है कच्ची, तो उस दोनों का मैं अचार बना के दिखाती हूँ। और इतना टेस्टी अचार इसी सीजन में इसको खाना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे हल्दी तो हम खा नहीं सकते। इस तरह से ये हल्दी हमारे हम खाएंगे अचार के थ्रू तो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इस पौष्टिक होगा ये, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से ये अचार बहुत टेस्टी और बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम उस अचार को कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाते हैं। आम हल्दी है जिसका फ्लेवर आम जैसे रहता है, इसको छीलेंगे तो इसमें खुशबू आम की आएगी। और ये सिंपल हल्दी है ये जो कि कलरफुल रहेगी और ये वाइट रहती है। और नींबू है, नींबू का रस डालेंगे हम इसमें, नमक डालेंगे। केवल बिना ऑयल का ये अचार रहेगा और ये केवल हमारे इतने इंग्रेडिएंट्स में ही बनके ये तैयार होगा। तो चलिए अब मैं बना के आपको दिखा दूँ। इसको इससे छीलूँगी तो ज़्यादा छिलका निकलेगा, पतला बहुत छिलका है, तो ऐसे छील लेंगे हम इसको। छील के हम चॉपर में डाल देंगे आम हल्दी और सिंपल हल्दी, और इसको हल्दी वल्दी कुछ नहीं पड़ता इसमें, केवल नमक टेस्ट के हिसाब से पड़ेगा और नींबू का रस। और आपको ज़्यादा दिन रखना है तो विनेगर डाल सकते हैं और थोड़ा सा तेल, सरसों का तेल और विनेगर। ज़्यादा दिन रखना है तो डाल सकते हैं, सरसों का तेल तो आप डाल सकते हैं इसमें, पर आज हम बनाएंगे बिना तेल का। मिर्च, हरी मिर्च दो तीन, ताकि थोड़ा सा मिर्च लगे इसमें। धो के रख लिए थे मिर्च को। ये चॉपर से हमने इसको बारीक बारीक कर लिया। ये अब नमक में डालूंगी 1 टीस्पून टेस्ट के हिसाब से, और इसमें डालूंगी मैं 2 नींबू का रस निकाली थी ये। एक चम्मच डाल दूंगी ताकि इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाए। अचार बन के तैयार हो गया है। इसमें आप चाहें तो गरम करके सरसों का तेल 2 चम्मच डाल सकती हैं। सरसों के तेल डालने से इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और इसको 2-4 से 6 महीने रख सकती हैं। तो अब आप बनाइए, खाइए अमूल्स किचन में। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। इसको हमने बिना तेल का बनाया है और तेल वाला अचार, इसके पहले हम तेल वाला बनाया था वो भी मैं आपको दिखाती हूँ सैंपल। देखिए सेम कंडीशन हमने सेम ऐसे ही बनाया, और उसमें हमने 1-2 चम्मच इसमें तेल डाल दिया है। बस तेल डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा अलग हो जाता है, और वो भी टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। और इसमें हम तेल डाल के दोनों अलग अलग वैरायटी में हम बनाए हैं, तो हेल्दी तो बिना तेल वाला ही रहेगा। और ये तेल वाला उतना हेल्दी तो नहीं होता है, लेकिन हाँ टेस्ट थोड़ा इससे बेटर होता है। तो चलिए अब आप बनाइए, खाइए और मून्स किचन में आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।